जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। लड़कियाँ रात को भूलकर भी नहीं करें ये 5 काम। इन्हें जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अब मैं बात करूँगा लड़कियाँ रात को भूलकर भी नहीं करें ये 5 काम। शास्त्रों के अनुसार हर कार्य करने का एक नियत समय है। दिन में जहाँ सभी आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं, वहीं रात में कुछ कार्यों को करना स्पष्ट मना किया गया है। इनमें संभोग भी शामिल है। आइए जानते हैं कि रात को कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे दुर्भाग्य आता है। सबसे पहला, खुले बाल नहीं सोना चाहिए। रात में लड़कियों को बालों को खुला रखकर नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि रात में खुले बाल सोने पर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं, इसलिए रात को न केवल वरन चोटी रखने वाले पुरुष भी अपनी चोटी को बांध लेते हैं। दूसरा, चौराहों पर नहीं जाएं। चौराहा अर्थात जिस जगह 4 सड़कें आपस में मिलती हों, वहाँ भी रात के समय नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वहाँ पर बहुत से टोने टोटके और तांत्रिक अभिक्रियाएं की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या प्रभाव स्वरूप वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का स्थायी वास हो जाता है। रात में यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है, इसलिए देर रात को चौराहों पर जाना नकारात्मक ऊर्जा अर्थात भूत प्रेत आदि को आमंत्रण देने जैसा होता है। तीसरा, सेंट या इन लगाकर न सोएं। कुछ लोग रात को सोते समय इन या सेंट लगाकर सोते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरह की तेज खुशबू पैरालौकिक शक्तियों को आकर्षित करती है, इसलिए रात को सोने से पहले हाथ पांव तथा चेहरा धोकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे रात को बुरे स्वप्न भी नहीं आते और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहते हैं। फोर्थ, रात को किसी प्राय स्त्री पुरुष से नहीं मिलना चाहिए। रात के समय स्त्रियों को किसी प्राय पुरुष से तथा पुरुष को किसी प्राय स्त्री से एकांत में नहीं मिलना चाहिए। बुरी संगति तथा शराबियों से भी रात को दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको न केवल नुकसान हो सकता है वरन बदनामी का भी दाग लग सकता है। फिर आधी रात के बाद न बनाए शारीरिक संबंध। शास्त्रों के अनुसार रात 12 बजे बाद अगला दिन शुरू हो जाता है तथा ब्रह्म बेला से ठीक पहले वाला समय आरंभ हो जाता है। इस समय भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा पुरुषोत्तम की हानि होने के साथ साथ व्यक्ति का बुरा समय आरंभ हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त के पहर से पहले अर्थात सुबह 3 बजे से पहले का ही ठीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स, कुछ ऐसे काम जो लड़कियों को रात को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एक वास्तु दोष है और इनको करने से दुर्भाग्य आता है, लक्ष्मी रूठ जाती है, भाग्य आपसे रूठ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, लड़कियां रात को भूलकर भी नहीं करें ये 5 काम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।